नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल बॉली यात्रा में स्वागत करते हैं। आप सभी को आज की बड़ी और अफसोसनाक खबर से यका करते चले के ड्रामा सीरियल के मशहूर एक्टर धीरज पर जिन्हें आज के समय में कौन ही नहीं जानता। जी हां, अफसोस की बात तो ये है कि धीरज पर अब हम सब के बीच में नहीं रहे। जी हां, सभी ने एकदम सही सुना, धीरज पर की हत्या हो गई है। जी हां, कुछ गुंडों ने धीरज धपूर को साइड पे आके मार गिराया। जी हाँ, धीरज धपूर अब इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए हैं, दुनिया को छोड़ के चल गए। धीरज धपूर के जितने भी चाहने वाले थे ये खबर सुन के रोडों पे आ पड़े कि धीरज धपूर को जस्टिस दिलवाओ। जी हाँ, धीरज धपूर को इंसाफ दिलाने की सब भीख मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ना उठाया। इस वजह से इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और नारे लगा रहे हैं कि जस्टिस फॉर धीरज धपूर। जी हाँ, आप कभी को वो वीडियो भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले चैनल को न है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना मत भूलेगा, क्योंकि आपको धीरज धपूर की तमाम अपडेट इसी चैनल पर मिलते रहेगी। धीरज धपूर ने अपना नाम काफ़ी छोटी उम्र में कमा लिया। कुंडली भाग्य में काम करके इन्होंने अपने बहुत फेम कमाया। धीरज धपूर को आज के समय में काफ़ी कम ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते। इनकी फैंस और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। धीरज धपूर के चाहने वालों के लिए यही दुखद खबर है कि धीरज धपूर को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। धीरज धपूर अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इनके लिए कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिखें, क्योंकि ओम शांति ओम लिखेंगे पैसे नहीं लगेंगे, बल्कि इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। धीरज धपूर बहुत अच्छे इंसान थे, इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं।